मगध यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, 2018-21 पार्ट टू का एग्जाम फॉर्म फाइनल डेट जारी हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल डेट जारी कर दिया गया है 2018-21 पार्ट टू एग्जाम फॉर्म वाला। दोस्तों वहीं साथ ही साथ 2019-22 वाला देख सकते हैं, 2019-22 वाला पार्ट वन का एग्जाम फॉर्म भी डेट जारी हो चुका है। दोनों स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, 18-21 पार्ट टू और 19-22 पार्ट वन के छात्र, दोनों स्टूडेंट्स का, दोनों सेशन के स्टूडेंट्स का एग्जाम फॉर्म फाइनली जारी हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको फाइनल डेट लाइव प्रूफ दिखाएंगे पूरी इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पल पल के अपडेट मगध विश्वविद्यालय से जुड़ी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे इस चैनल पर सबसे पहले डाला जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन दिया जा रहा है सभी स्टूडेंट्स को। तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यह वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा भी आगे पीछे भगाकर नहीं देखना है, वरना इंफॉर्मेशन से आप लोग वंचित हो जाएंगे। एग्जाम फॉर्म आपका कब से भरा जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट कितना लगेगा, सारी जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं 19-22 पार्ट वन और 18-21 पार्ट टू के दोनों छात्रों के लिए एग्जाम फॉर्म फाइनली डेट कंफर्म जारी हो चुका है। दोस्तों आप लोग देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं सभी स्टूडेंट्स को कि वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो यार, और चैनल पर न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब कर लो। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो, और बगल में घंटी का ऑप्शन उसको भी दबा दो कि आने वाली पल पल के अपडेट सबसे पहले मौर्य गुरु एकेडमी पर आपको मिले। दोस्तों मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ज्वाइन हो जाना, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन मगध यूनिवर्सिटी से जुड़ी हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए, और आपको बताते हैं। सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि सभी प्रधानाचार्य महोदय अंगीभूत एवं संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय मगध विश्वविद्यालय बोधगया की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया है। और दोस्तों यहां पर देखिए, विषय स्नातक प्रथम खंड परीक्षा देखिए 2019-20 यानी पार्ट वन है ना, तो 2019-20 ठीक है, और सेकेंड ईयर पार्ट टू 2019-21 और सेकेंड ईयर पार्ट थ्री 2019-22 यानी इसका पूरा कंप्लीट 2019-22 में ख़त्म होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए बता दूं मैं कि 2019-20 पार्ट वन के छात्रों का परीक्षा फॉर्म डेट जारी कर दिया गया है, वहीं 17-18 का परीक्षा पत्र एवं शुल्क ऑनलाइन माध्यम के साथ जमा करना होगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि विषय माननीय कुलपति महोदय के आदेश अनुसार ये जारी किया गया है, और विषयांकित परीक्षा पत्र एवं शुल्क कोरोना नियम के अनुसार ये पालन करना होगा आपको। दोस्तों परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा, ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा, यानी आपको मगध विश्वविद्यालय के वेबसाइट के जरिए ही ऑनलाइन परीक्षा आपको भरना है, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, डेट निर्धारित कर दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि बिना विलंब शुल्क के साथ 19-7-2021 से 26-7-2021 तक आपको परीक्षा फॉर्म भरना है। ध्यान से सुन लीजिए सभी स्टूडेंट्स, 19-7-2021 से 26-7-2021 तक आपको परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरना है, ठीक है। आप यहाँ पर एक बात और देख लीजिए, विलंब शुल्क के साथ, यानी आप लोगों का जो विलंब शुल्क के साथ 27-7-2021 से 31-7-2021 तक आप लोगों को ये परीक्षा फॉर्म डेट जारी किया गया है, ठीक है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि परीक्षा फॉर्म आप लोग बिहार के किसी भी साइबर कैफ कोने कोने साइबर कैफ दुकान के माध्यम से भरवा सकते हैं, यानी जो ऑनलाइन भरते हैं ना, आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार में कहीं भी आप लोग ऑनलाइन जो काम करते हैं, ऑनलाइन जो फॉर्म वॉर्म अप्लाई करते हैं, उनके पास जाकर आप भरवा सकते हैं, या आप खुद भी भर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पीसी लैपटॉप के माध्यम से। मैं उन छात्रों को कह रहा हूं जिनके पास लैपटॉप या पीसी या मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, तो आप जाकर किसी भी बिहार में, आप लोग बिहार के कोने कोने साइबर कैफ ऑनलाइन के माध्यम से भरवा सकते हैं, ठीक है, किसी भी दुकान पर जाकर। दोस्तों यहां पर देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा शुल्क बिना विलम्ब के साथ यहाँ पर देखिए 600 रुपये सामान्य कोटि के स्टूडेंट्स का लगेगा। जो सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि सामान्य कोटि जर्नल वाले हैं, ठीक है, उनका लगेगा 600 रुपये, और बाकी जो यहाँ पर देखिए परीक्षा शुल्क बिना विलंब शुल्क के साथ 410 रुपये लगेंगे जो अनुसूचित जाति हैं और जनजाति हैं। जो अनुसूचित जनजाति और जनजाति हैं उनका लगेगा 410 रुपये, यानी SC ST और BCI का लगेगा 410 रुपये, बाकी कोटि के लगेगा 600 रुपये, ठीक है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बाद में मत कहिएगा कि सर आपने ये नहीं बताया, आपको पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। परीक्षा शुल्क बिना देखिए परीक्षा शुल्क विलंब शुल्क के साथ 700 रुपये सामान्य कोटि जर्नल के स्टूडेंट्स का लगेगा, ठीक, और यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा जो वर्ग है उनका 510 रुपये लगेगा।
ये दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा 18-21 के स्टूडेंट्स का है और ये 19-22 के स्टूडेंट्स का है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि निर्देश के अनुरूप छात्र एवं छात्राओं को परीक्षा पत्र एवं शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से दिए गए लिंक URL के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन भर सकेंगे। देखिए magadyuniversity.online, ठीक है, इस URL के माध्यम से भी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि अनुमोदन पत्र प्रमाण आवश्यक रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके सभी स्टूडेंट्स को, देखिए जिससे यह स्पष्ट हो सके सभी स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पत्र भरने वाला छात्र संबंधित, जी हाँ दोस्तों, छात्र संबंधित महाविद्यालय का ही छात्र है, एक परीक्षा पत्र भरने की वास्तविक अर्थ रखता है। इसके साथ ही संबंधित छात्र ऑनलाइन माध्यम से जमा की गई परीक्षा पत्र एवं शुल्क की एक प्रति महाविद्यालय एवं प्राचार्य को आप लोग महाविद्यालय को जो है समर्पित करेंगे, ठीक है, यानी महाविद्यालय को आप लोग जमा करेंगे, जिसे एक ब्यौरा में संकलन कर संबंधित प्राचार्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य हेतु संबंधित महाविद्यालय प्राचार्य को विश्वविद्यालय द्वारा एक user ID और पासवर्ड उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे वे छात्र द्वारा ऑनलाइन भरे गए परीक्षा पत्र संबंधित अद्वत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे एवं आवश्यक प्रतीत होने पर, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, होने पर संशोधन भी कर सकेंगे। यह सुविधा केवल मगध प्रमंडल के छात्रों के लिए होगी। शेष पटना प्रमंडल के वैसे छात्र जो स्नातक प्रथम एवं द्वितीय खंड की परीक्षा में अंतर्निहित प्रमोटेड हैं, वैसे परीक्षा देखिए प्रमोटेड वाले के लिए भी बड़ी खबर निकल कर आया है, वो ऐसे परीक्षार्थियों अपना परीक्षा पत्र अपने महाविद्यालय में पूर्व के भांति ऑफलाइन माध्यम से इसी अवधि में जमा करेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त कार्यान्वयन में यदि किसी प्रकार की तकनीक समस्या उत्पन्न हो तो अपने महाविद्यालय या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से संपर्क स्थापित की जा सकती है। यानी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए एग्जाम फॉर्म में भरने में कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो छात्र अपने महाविद्यालय यानी कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही बड़ी अपडेट है। 19 तारीख से आप लोगों का परीक्षा फॉर्म शुरू हो रहा है, ऑनलाइन में ऑनलाइन मोड में भरना है सभी स्टूडेंट्स। वीडियो को एक एक स्टूडेंट्स के पास शेयर करिएगा, बहुत कम दिन बचा है, सिर्फ 2 दिन, यानी कल और परसों से स्टार्ट हो जाएगा, कल भर सिर्फ है। आप लोगों को पूरी ऑफिशियल न्यूज अपडेट मैं चैनल पर डालता रहता हूँ सबसे पहले, तो आप लोग यार वीडियो को सभी स्टूडेंट्स को शेयर करो, सभी दोस्तों को मालूम चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं है, तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, सभी स्टूडेंट्स को मालूम चल जाएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, जो भी आप ग्रुप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं फेसबुक में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप चलाते हैं व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए। 17-2019-22 Part 1 सभी छात्र शेयर करिए अपने अपने स्टूडेंट्स के पास, और 18-21 Part 2 स्टूडेंट्स अपने अपने स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दीजिए, जितने भी मेल फीमेल सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स शेयर करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में। चैनल पर न्यूज़ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का ऑप्शन है उसको भी दबा दीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में पूरी इंफॉर्मेशन अपडेट दिया जाता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, चले क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए सभी स्टूडेंट्स। आगे कोई भी अपडेट आएगा मगध विश्वविद्यालय से जुड़ी छोटी से लेकर बड़ी तक, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा चैनल पर, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई भी जानकारी चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो नीचे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, आने वाली उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।